नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा सिंह पटेल। आज हम लोग संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत संस्कृत भाषा शिक्षण विधियों को देखेंगे। तो हम यहाँ वैसे तो संस्कृत भाषा शिक्षण की अनेक विधियाँ हैं, लेकिन यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा शिक्षण की 5 विधियों के बारे में बातचीत करेंगे। इन 5 विधियों में हम देखें तो पहला निगमन विधि, दूसरा आगमन विधि, तीसरा प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, चौथा अनुवाद विधि, पांचवा संरचनात्मक विधि। तो इन 5 विधियों के बारे में हम बात करेंगे और शुरुआत करते हैं निगमन विधि से। निगमन विधि को हम इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड भी बोलते हैं और वैसे इसको नियम उदाहरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। निगमन विधि से तात्पर्य है कि विद्यार्थियों को पहले कुछ नियम बता दिया जाए और नियम बताने के बाद कुछ उदाहरण के माध्यम से उस नियम को उस उदाहरण में देखने के लिए उस उदाहरण की जांच पड़ताल करने की बातचीत की जाती है। इसके अलावा निगमन विधि को हम लोग परंपरागत शिक्षण प्रणाली के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों द्वारा निगमन विधि का प्रयोग किया जाता था, जिसमें जैसे कि हमने संज्ञा के बारे में बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं और फिर कुछ उदाहरण दे दिया और उसमें देखेंगे कि संज्ञा का की जो परिभाषा है वो उस उदाहरण में किस प्रकार परिलक्षित हो रही है। लेकिन हम इसको साफ साफ देख सकते हैं कि निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है और छोटी कक्षाओं में इसका शिक्षण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम व्याकरण की बात करते हैं, जब भी हम निगमन विधि के माध्यम से कोई नियम के माध्यम से किसी भाषा को सीखने की बात करते हैं तो यह व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि अगर हम खुद व्यक्तिगत रूप से हम लोग देखते हैं कि हमें नियम रटा दिया जाता है और हमें नियम का भली भांति ज्ञान होता है, पर उस नियम का जब हम उदाहरण के रूप में प्रयोग करते हैं या कुछ उदाहरण में उस नियम को देखने की कोशिश करते हैं तो चूँकि हम उसमें अभ्यासरत नहीं होते हैं इसलिए हम असफल हो जाते हैं। तो यहाँ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि निगमन विधि का प्रयोग अगर करना भी है तो बड़ी कक्षाओं में किया जा सकता है, पर छोटी कक्षाओं में निगमन विधि का प्रयोग को उचित नहीं ठहराया जाता है। अब हम देखते हैं कि निगमन विधि के अंतर्गत ही 2 शिक्षण विधियों की बात की गई है, जिसमें पहला है सूत्र प्रणाली और दूसरा है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। जैसा कि नाम से ही पता चलता है सूत्र प्रणाली, इसमें हम संस्कृत भाषा को जब भी हम सिखाते हैं तो लघु कौमुदी नामक एक पुस्तक होती है जिसमें सूत्र दिए होते हैं और शिक्षकों का पूरा बल होता है कि विद्यार्थियों को सूत्र याद किया जाए, कंठस्थ कराया जाए और सूत्रों के माध्यम से उन्हें नियम सिखाया जाता है या भाषा सिखाने की बात की जाती है। दूसरा हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक प्रणाली, इसमें भी हम देखेंगे कि व्याकरण की पाठ्य पुस्तक होती है जिसमें व्याकरण के सिद्धांत नियम को भी हमें हम याद करते हैं, फिर उसके अंतर्गत उसके बाद हम उदाहरण का अभ्यास करते हैं, जो कि दोनों ही अमनोवैज्ञानिक है। क्योंकि हम देखते हैं हमें नियम अच्छे से पता है, हमें व्याकरण अच्छे से पता है, पर क्या हम उसका व्यवहारिक प्रयोग कर पाते हैं? नहीं। इसीलिए कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि हमें आगमन विधि से पढ़ाना चाहिए। तो दूसरा है आगमन विधि। आगमन विधि की अगर बात करते हैं तो इसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं और इसको उदाहरण नियम विधि के भी नाम से जाना जाता है, जिसे ये बहुत मनोवैज्ञानिक विधि भी है। क्योंकि पहले विद्यार्थियों को कुछ समान उदाहरण दिए जाते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से उन्हें कुछ नियम निकालने होते हैं और उस नियम के बाद वो जान पाते हैं कि हाँ, इस उदाहरण में कुछ चीज़ें हैं, यानी कि वो अपने मस्तिष्क का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं, ना कि रटन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो आगमन विधि के अंतर्गत हम 2 विधि को देख सकते हैं, जिसमें पहला है प्रयोग प्रणाली, दूसरा है सह संबंध प्रणाली। प्रयोग प्रणाली की बात करते हैं तो प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत हम पहले कुछ उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के बाद हम
उस उदाहरण कुछ जैसे हमने 5-6 उदाहरण ले लिया, कुछ उदाहरण लेने के बाद हम उसमें तुलना और विश्लेषण करते हैं। तुलना और विश्लेषण करने के उपरांत हम नियमीकरण या निष्कर्ष की बात करते हैं। जब नियम और निष्कर्ष निकल जाता है तब हम उसको प्रयोग और अभ्यास की बात करते हैं। जैसा कि हम लोग अपनी पाठ योजनाओं में इसका प्रयोग करते हैं, जब भी हम व्याकरण की पाठ योजना बनाते हैं तो हम यही करते हैं। जब भी हम व्याकरण शिक्षण पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ उदाहरणों के बाद हम उसमें देखते हैं कि तुलना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, इसके उपरांत फिर हम देखते हैं कि इस तुलना और विश्लेषण के बाद क्या नियम निकल के आ रहा है, क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, उसके बाद फिर उसका प्रयोग करते हैं और अभ्यास करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सहसंबंध विधि। सहसंबंध विधि को हम गद्य पद्य रचना शिक्षण यानी गद्य शिक्षण पद्य शिक्षण रचना शिक्षण के माध्यम से पढ़ाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि पढ़ाने के दौरान हम सहसंबंध यानी संबंधित जो भी हम गद्य पद्य पढ़ा रहे हैं या जो भी रचना पढ़ा रहे हैं उसमें कौन कौन सा नियम प्रयुक्त हो रहा है उस नियम को हम बीच बीच में बताते चलते हैं। तो कहीं ना कहीं सहसंबंध प्रणाली का दोष ये भी है कि व्याकरण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है और इसके साथ साथ हमारा पूरा ध्यान गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण रचना शिक्षण इत्यादि पर होता है, जिससे हम व्याकरण को अलग से नहीं पढ़ा पाते या उसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दे पाते। तो ये कुछ सीमा तक ठीक है कि हम विद्यार्थियों की व्याकरण कक्षा में जो भी पढ़ाए हैं तो गद्य पद्य कक्षा में भी उसको अभ्यास कराएँ, परंतु अगर हम ये चाहें कि सिर्फ गद्य पद्य में ही हम व्याकरण के नियमों को पढ़ा लें तो ये संभव नहीं। उसके बाद तीसरी शिक्षण विधि की बात करते हैं जो है प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि को सर्वोत्तम विधि के रूप में माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि में हम अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखते हैं, अपने परिवेश के माध्यम से भाषा को सीखते हैं, एक लंबा समय लेके भाषा को सीखते हैं और इसमें हम पहले भाषा को सीख जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयुक्त की गई भाषा है उसमें व्याकरणिक नियम क्या हैं, उसमें कितनी त्रुटियां हैं, क्या संधि है, क्या समास है, यानी कि व्याकरणिक संरचना को हम किसी जब हम कोई भाषा सीख जाते हैं, सीखने के उपरांत जब हम उसको अच्छे से बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, उसके उपरांत जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा बोली गई भाषा में कौन सी व्याकरणिक संरचना प्रयुक्त होती है तो इसको प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में विद्यार्थी शुरू से ही अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन उन्हें व्याकरणिक नियमों का ज्ञान नहीं होता है, पर वो अंग्रेजी एक शुद्ध तरीके से ठीक तरीके से लगभग बोल लेते हैं। व्याकरणिक नियमों का ज्ञान उनको उच्च कक्षाओं में कराया जाता है। इसी तरह अगर हम हिंदी भाषा हिंदी माध्यम के विद्यालयों में देखें तो हिंदी हम पहले ही बोलते हैं, बाद में हम देखते हैं कि हमारे द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा में क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है। इसी तरह संस्कृत भाषा शिक्षण जो कि संस्कृत भाषा शिक्षण के साथ ऐसा नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा शिक्षण हमारे देश में द्वितीय भाषा शिक्षण के रूप में पढ़ाया जाता है। संस्कृत विद्यालयों को छोड़कर अगर हम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद की बात करें, अगर हम CBSE बोर्ड की बात करें, अगर हम ICSE बोर्ड की बात करें, तो यहाँ कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा को द्वितीय भाषा शिक्षण के रूप में पढ़ाया जाता है। यही कारण है कि हम संस्कृत हमारे देश की भाषा होने के बाद भी हम शुद्ध नहीं बोल पाते हैं या हम समझ नहीं पाते हैं या हम लिख नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि को सर्वोत्तम विधि के रूप में माना गया। उसके बाद हम आते हैं संरचनात्मक विधि के बारे में बात करते हैं। संरचनात्मक यानी कि संरचनाओं का वर्णन ही व्याकरण है। संरचनाओं का वर्णन ही व्याकरण है यानी कि पाठ्य पुस्तक में जो भी संरचना है, चाहे हम उसको गद्य को पढ़ें, चाहे पद्य को पढ़ें, चाहे हम काव्य चाहे हम रचना शिक्षण पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, उस पद्यांश में गद्यांश में जो भी संरचना है उस संरचनाओं का ज्ञान हम उस कक्षा में कर सकते हैं
और उसमें क्या, जैसे कि वही कर्ता क्रिया सर्वनाम जो भी चीज़ें, संज्ञा हो गया, अलंकार हो गया, जो भी चीज़ें हैं, यानी इसको भी हम कक्षा कक्ष के दौरान ही हम पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इस विधि का दोष ये भी है कि इसके लिए इस विधि से पढ़ाने में, व्याकरण के नियम को पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, पर्याप्त फोकस नहीं हो पाता है, पर्याप्त अभ्यास नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं संरचनात्मक शिक्षण में ये कमी पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं पांचवा और आखिरी, अनुवाद विधि। अगर हम नाम से ही पता है अनुवाद विधि, अगर हम संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि की बात करते हैं तो ये विधि प्रचलित है, क्योंकि हम संस्कृत भाषा शिक्षण को अनुवाद विधि के माध्यम से ही पढ़ते हैं सामान्यतः है। और हम देखते हैं कि द्वितीय भाषा शिक्षण होने के नाते, द्वितीय भाषा होने के नाते या द्वितीय भाषा का शिक्षण होने के नाते अनुवाद विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहले हमें उस भाषा के व्याकरणिक नियमों को, संरचनाओं को, सिद्धांतों को सिखाया जाता है, उसके उपरांत उदाहरण के माध्यम से या फिर नियम का प्रयोग करना बताया जाता है, फिर हम उसको, यानी पहले सिद्धांत नियम का ज्ञान होता है, उसके बाद हम अनुवाद करके धीरे धीरे उस भाषा को बोलना, लिखना, सुनना समझते हैं, यानी पहला बेस है अनुवाद। तो यहाँ पर हम देखे हैं, यहाँ पे आज हम लोगों ने देखा कि